हेलो मेरे बाजू, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास टेंथ का एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है जयपुर का NCERT का चैप्टर नंबर 6 है, उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, है ना, आप लोग स्टार्ट करें। स्टार्ट हाउ द जोश, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर आता हुआ पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किस रूप से पकड़ता है? उसमें ऑप्शन आपको ए दिया हुआ है पैर से, बी दिया हुआ हाथ से, सी दिया हुआ क्विक पैथ से और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन में से आप बोलिए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीबा अपने भोजन पकड़ता है कुटपात की सहायता से, पैर से नहीं पकड़ता है, हाथ से भी नहीं पकड़ता है और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मानव आहार नाल विभिन्न अंगों का सही, मानव का जो आहार नाल है उसका क्रम बाई क्रम का अंगों का सही क्रम क्या है? इसमें पहला ऑप्शन मुंह, अमाशय, ग्रसिका, छोटी यंत्र, बड़ी यंत्र। मुंह दूसरा में है, मुंह, छोटी यंत्र, अमाशय, ग्रसिका, बड़ी यंत्र। सी में है, मुंह, ग्रसिका, अमाशय, छोटी यंत्र, बड़ी यंत्र। यही सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही है, मुंह, ग्रसिका, अमाशय, छोटी यंत्र और बड़ी यंत्र। डी है, ग्रसिका, मुंह, अमाशय, छोटी यंत्र, बड़ी यंत्र, गलत है, डी वाला ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, मानव में श्वसन वर्ण कौन सा है? मानव जो हम सभी मनुष्य हैं उनमें कौन सा वर्ण पाया जाता है? मानव में श्वसन वर्ण कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर ए है हेमोग्लोबिन, बी है फाइटोक्रोम, सी है साइटोक्रोम, डी है सभी। क्या इसका आंसर क्या होगा आप सभी बता सकते हैं? बताइए मानव में श्वसन वर्ण कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हीमोग्लोबिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हमारे शरीर में पेशाब का सही क्रम क्या है? हमारे शरीर में पेशाब का सही क्रम क्या है? ब्रीक, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। बी में ऑप्शन है ब्रीक, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा। सी में दोनों, डी है कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ब्रीक होता है उसके बाद यूरेटर, उसके बाद यूरेटरी ब्लैडर आता है, उसके बाद यूरेथ्रा आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पर ए रहा, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। जो हमारे पास जो रुधिर है लाल रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी है हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, सी है हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, डी कोई नहीं। तो रुधिर की लाल रंग प्रदान करता है कौन? तो रुधिर को लाल रंग कौन प्रदान करता है? हीमोग्लोबिन। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा, समझ गए हैं। क्लोरोफिल तो यहाँ पर पादप के लिए आ गया, हीमोग्लोबिन गलत है, कोई नहीं, इसका ऑप्शन नहीं होगा। रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी सही, हीमोग्लोबिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ए रहा, मनुष्य होते हैं, मनुष्य श्वापोषी होते हैं। बी ऑप्शन दिया हुआ परपोषी होते हैं, सी ऑप्शन दिया हुआ घटक हैं, डी है ऑप्शन नंबर और डी में सभी दिया हुआ। क्या इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है बताइए? तो मनुष्य जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, परपोषी के अंतर्गत कौन आते हैं? मनुष्य जो है वह परपोषी होते हैं, सॉरी, स्वपोषी के अंतर्गत पादप आते हैं, अपघटक में आते हैं आपके, अपघटक वाले जीव में आप जैसे कि रसायन संश्लेषी जीव आते हैं इसमें। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा, मनुष्य होते हैं परपोषी, ऑप्शन बी इज राइट है, सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि क्लोरोफिल किस कोशिकाओं में पाया जाता है? अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल किस कोशिकाओं में पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी भरित लवक, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका राइट क्या होगा? तो क्लोरोफिल किस कोशिकाओं में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो है वह हरित लवक में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, सही है, हरित लवक नहीं हो सकता, यह ऐसा ही गलत ऑप्शन दिया हुआ है। सी दोनों नहीं हो सकता, डी सभी नहीं हो सकता। क्लोरोफिल किस कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, यानी कि हरित लवक। क्लोरोफिल किस कोशिकाओं में पाया जाता है? क्लोरोफिल किस कोशिकाओं में पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा,
शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाते हैं, यानी कि जो शाम के समय जब शाम होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, घट जाती है, या दोनों होती है। डी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। सभी क्या ऑप्शन होगा इसका सही राइट बताइए। शाम क्वेश्चन बोल रहा है कि शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है, यानी कि क्या हो जाती है जब शाम होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इनमें से सी में ऑप्शन ए भी दोनों दिया हुआ है, डी में आपका ऑप्शन है सभी बताइए। बहुत ही आराम से बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 2024 के बोर्ड के लिए समझिए कि ये रामबाण है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसका इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर देखें तो समय के शाम के वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है क्या, इस कम हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, सही है। अब आ रहा है आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है, यह उपकरण है कि किस चीज़ का। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है रुधिर दाब। रुधिर दाब को अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर कहा जाता है। नब्ज सी ऑप्शन दिया हुआ हृदय स्पंदन की दर। डी ऑप्शन दिया हुआ कोई नहीं बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापते हैं, रुधिर दाब मापते हैं, बी ऑप्शन नंबर नब्ज मापते हैं, सी ऑप्शन नंबर हृदय स्पंदन की दर मापते हैं, या डी कोई नहीं बताइए क्या सही है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं रुधिर दाब, जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, बीपी। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम सभी बीपी को मापते हैं, समझ में आया। बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे कृपया ना छोड़ें। स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं रुधिर दाब को, इसका ए ऑप्शन नंबर इज राइट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रहा, एमाइलेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है। एमाइलेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है, प्रोटीन पर करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी वसा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2024 के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही सब जो इस सभी प्रश्न डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। एमाइलेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है, प्रोटीन पर क्रिया करता है ट्रिप्सिन, और वसा पर क्रिया कौन करता है लाइपेज। इनमें से ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एमाइलेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है, कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की योर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा, मनुष्य में यूरिया का संश्लेषण निम्न में से किस अंग में होता है। यानी कि मनुष्य में जो यूरिया है, संश्लेषण का मतलब निर्माण, तो मनुष्य में यूरिया का निर्माण निम्न ये सभी जो ऑप्शन दिया हुआ, निम्न मतलब हुआ ये चारों ऑप्शन में से किस अंग में होता है। यकृत में होता है, यकृत को अंग्रेजी में लिवर कहा जाता है, अग्नाशय को पैनक्रियाज कहा जाता है, छोटी याद को स्मॉल इंटेस्टाइन, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो मनुष्य में यूरिया का संश्लेषण निम्न में से किस अंग में होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। चलते हैं, समझ में आया। मैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मनुष्य में यूरिया का संश्लेषण निम्न में से किस अंग में होता है, यकृत में होता है, अग्नाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, या कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, सही है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, किसका स्थानांतरण होता है, सुक्रोज के रूप में भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम क्या है, यह एक प्रकार के ऊतक है, लवण के द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा होता है। डी ऑप्शन दिया हुआ है सभी बताइए, तीनों में से कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्लोएम एक प्रकार के ऊतक है, संवहन ऊतक उदाहरण। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतर जो है सुक्रोज के रूप में होता है, सुक्रोज का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, सही है। 2024 बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे हमेशा याद रखें। अब फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इसका है सुक्रोज के रूप में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा,
लार में कौन सा एंजाइम होता है, जो हमारा मुंह है मुंह में लार पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ वसा, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ टैलिन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। टाइम दिया गया है आपके लिए 2-3 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन, इसका कौन सा, चलिए आंसर देखते हैं। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है क्या, प्रोटीन होता है क्या, ये सभी एंजाइम तो है ही नहीं, वसा होता है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, टाइलिन को ही एमाइलेज कहा जाता है, जो जो है किस पर कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है, कौन, टाइलिन, टाइलिन को ही क्या कहा जाता है, एमाइलेज कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ पर होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका पाइरूवेट में विखंडन कहाँ पर होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हरित लवक दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव में होता है, केंद्रक में होता है, हरित लवक में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका ऑप्शन चलिए देखते हैं। तो ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ पर होता है जी, कोशिका द्रव्य में होता है, केंद्रक में नहीं होता है, हरित लवक में भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। पादप क्वेश्चन क्या कर रहा है, पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं, यानी कि जो पादप होते हैं वो कौन सा प्रक्रिया के द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको वाष्पोत्सर्जन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दोनों, क्या दोनों, ये दोनों सही है, और ऑप्शन नंबर डी सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पादप निम्न, क्वेश्चन कह रहा है कि पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका जो सही होगा वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है पादप को ही, पेड़ पादप का मतलब पेड़ पौधा होता है, पादप निम्न प्रक्रम के द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। कौन सा प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा शुद्ध करते हैं। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हरित लवक के अस्ट्रोमा में कौन सा अभिक्रिया होती है। बताइए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ प्रकाशीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ अप्रकाशीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ क्या ये दोनों है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरित लवक के स्ट्रोमा, हरित लवक कहाँ पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है, स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, और वहीं पर ग्रेना भी होता है, ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, और वहीं अगर हम स्ट्रोमा की बात करें तो वहाँ अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, दोनों नहीं होगा, डी में कोई नहीं इसका ऑप्शन दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा है रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, जो रंध्र है उसमें कितनी द्वार कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है 3, और ऑप्शन नंबर डी में 5 दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही है, सोचो समझो और बहुत ही धड़ल्ले से इसका जवाब दो। क्या आप लोग हल्का 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे हल्का में ना लें बाबू लोग, आप लोगों से मेरा गुजारिश है। तो रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए 2 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3, और ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर 2। एक रंध्र, एक खुला प्रकार का रंध्र होता है और एक बंद प्रकार का रंध्र होता है। अगला क्वेश्चन आपके
खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य का पदार्थ का मतलब क्या होता है? भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए जाइलम, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ए अब भी दोनों इसमें दिया हुआ, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। खाद्य पदार्थ का मतलब कि भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? किसमें? पादप में, यानी कि पेड़ पौधों में। जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के, जाइलम तो जल का स्थानांतरण कहता है जी, फ्लोएम इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही है, फ्लोएम। फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? ए और बी दोनों, इनमें से दो नहीं है, सिर्फ फ्लोएम ही है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कोई नहीं, कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, उसमें ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। इसका जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मृदा में अवशोषित जल तथा खनिज पादप के किस ऊतक में ऊपर की ओर प्रवाहित होती है? मृदा में जो अवशोषित जल तथा खनिज पादप के किस ऊतक में ऊपर की ओर प्रवाहित होती है? जो जल और खनिज का अवशोषण होता है किस ऊतक के द्वारा ऊपर की ओर स्थानांतरण होता है या प्रवाहित होता है? जिसका ऑप्शन नंबर ए जाइलम, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। जाइलम के द्वारा जल का स्थानांतरण होता है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मृदा में अवशोषित जल तथा खनिज पादप के किस ऊतक में ऊपर की ओर प्रवाहित होता है? ऊतक में ऊपर की ओर प्रवाहित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जाइलम के द्वारा जल और खनिज पादपों का स्थानांतरण होता है। इसके पहले वाला क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर उपस्थिति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी को बहुत ध्यान से पढ़िए और इसका दिमाग लगाकर जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर उपस्थिति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो हानिकारक पदार्थ होता है बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी परिवहन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी पाचन कहा जाता है, और ऑप्शन नंबर डी जनन। ये तो हो ही नहीं सकता, पाचन अलग ही क्रिया, उसमें भोजन का पाचन होता है, उत्सर्जन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करते हैं परिवहन, तो एक स्थान परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी पदार्थ को ले जाना। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, यानी कि सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं परपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपघटक होते हैं, या कोई नहीं। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसका उदाहरण होता है पेड़ पौधा। परपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है और उससे अपना भोजन ग्रहण करता है। और अपघटक का मतलब इसमें मृतोपजीवी जीव आते हैं और कोई नहीं। इसका ऑप्शन अधिकतर पेड़ पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।